साल के बाद भूमि दोष के लिए और उनको नोटिस जारी किया गया है और ऑलरेडी जो चीज़ें हैं वो हटाई गई हैं और जो साथ में नियम उनके तहत पहले आगे अपन आदमी है सर जी, अपन आदमी है और मांगी लाल जी की रोजी रोटी उसी के झटके का सवाल नहीं है भाई। रोजी रोटी का मतलब रोजी रोटी बहुत अच्छी है। अतिक्रमण जो है बात करें, अतिक्रमण तो बहुत जगह है, उसका प्रभाव करके बीच में से शुरू करें नहीं उधर से करो। जी जाना हम तैयारी नहीं जब तक दुकानी जब तक हटाने कौन बोलो अपन दुकान का विवाद अपन कलेक्टर उनसे बात करेंगे। अभी रहने दो ना, कलेक्टर से बात कर लेते हैं। हम कर लो, अभी रहने दो ना, हम वेट कर रहे हैं ना, आप कर लो, हम बात कर रहे हैं। अभी तो आप ढूंढने आए हो ना, हम वेट कर रहे हैं। हम तैयार है हटाने के लिए, बिल्कुल तैयार है। अतिक्रमण के बिल्कुल पसंद नहीं है, आज केलोद ग्राम में केलोद का एक नौजवान जो विकलांग है, जिसके पिता सम्माननीय प्रभु जी जनसंघ के जमाने के हमारे केलोद गांव के मुख्य कार्यकर्ता रहे हैं, संगठन करता रहे हैं, आज उनका विकलांग पुत्र यहाँ पर एक छोटी सी चाय की गुंडी लगाकर अपना रोजगार संचालित करता, क्योंकि 2 बीघा 2.5 बीघे का किसान है। इस नाते से परिवार पालन पोषण के लिए उसने गुंडी रख रखी है, लेकिन पंचायत चुनाव के दौरान उन्होंने जो वर्तमान सरपंच है उनको वोट नहीं दिया था। इस कारण से देवतावश क्षेत्र के कुछ जनप्रतिनिधि जो बाहुबली भी हैं, भू माफिया भी हैं, उनके कामों को जनता अच्छे तरीके से जानती है, उनके माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है कि लगातार इस गुमटी को हटाया जाए। सम्माननीय मुकेश ने ये भी कहा कि मेरे को विस्थापन की जगह दे दी जाए। नियम भी यह है, बड़े बड़े शहरों में भी अतिक्रमण होता है तो जो आदमी विस्थापित होता है उसको जगह दी जाती है, लेकिन उस कारण से कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ रही है। इस गुमटी को हटाने के लिए जो आए हैं हम लोग सब चाहते हैं कि मुकेश को विस्थापन की जगह दी जाए। अतिक्रमण के हम कतई समर्थक नहीं है, लेकिन अतिक्रमण के साथ सर आप केलोद गांव पहुंचे हैं और ये अतिक्रमण को लेकर विरोध देखने को मिला है, किस तरह का विरोध है और क्या कहना था जो विरोध कर रहे थे? ग्राम पंचायत द्वारा स्कूल के सामने कुछ गुमटियाँ लगी थी जो अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आती थी, उनको नोटिस दे के हटाने जाने की प्रक्रिया की गई थी। उसमें से 2 गुमटी पहले हट चुकी थी, 2 लोगों का विरोध था कि हमें कहीं और जगह दो, इस बात को लेके था। प्रशासन की मांग पर सुरक्षार्थ पुलिस बल वहाँ पहुँचा था और बिना किसी विवाद के वहाँ से गुमटियाँ हटा ली गई। क्या आश्वासन अभी उनको दिया गया, क्या बात हुई अतिक्रमणकारी? प्रशासन द्वारा संभवतः उनको कुछ दिया गया है, वो क्या आश्वासन दिया गया उसकी मुझे जानकारी नहीं है। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।